Hello dear students, how are you? I hope you will be fine. We are gathered here at the Pranjal Bio Photon Tube to discuss the chapter Electricity part number 2. Okay? And the next topic is Ohm's Law. ठीक है ना? Ohm's Law. देखिए Ohm's Law क्या है? मैं आपको अच्छे से explain करता हूँ. सबसे पहले compulsory condition समझ लीजिए. क्या at constant temperature? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर दिस इज द कंपल्सरी कंडीशन. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो ये लॉ प्रूफ नहीं होगा, ये आप पहले से समझ लीजिए. इट इज क्लियर? तो देखिए क्या बताता है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. ठीक है ना? क्या बोला है, करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. सीधा सीधा जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है ना? क्या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, ये आपको पता होगा. नहीं अगर पता है तो आप जाकर के सबसे पहले फर्स्ट वीडियो मेरा देख लें इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वी का मीन्स क्या है और आई का मीन्स क्या है. ठीक है ना? अगर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, V का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और I का मतलब यहाँ पर करंट है. इट इज क्लियर? तो देखिए क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया. अब ये देखिए, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी साइन रिमूव होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी साइन रिमूव होगा तो वहां पर एक कॉन्स्टेंट को ऐड कर दिया जाता है. ठीक है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं. लगाने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, इक्वल का साइन जैसे लगाएंगे तो कॉन्स्टेंट हमारा ऐड हो जाएगा और उस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है, R है. ठीक है ना? वेयर आर इज अ कॉन्स्टेंट दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इस आर का नाम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इसका नेम है. ठीक है ना? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ. इट इज क्लियर? इस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है. इट इज क्लियर? नाउ कम्स एट द टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था इसको जब डिफाइन करेंगे तो देखिए क्या है. आप लोग देखिए क्लास 9 से क्लास 10 में आए हुए हैं. क्लास 9 में आपने फ्रिक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा था. ठीक है ना? फ्रिक्शन क्या करता है, जब भी मूवमेंट करते हैं हम लोग, जब भी मूवमेंट करते हैं तो फ्रिक्शन का काम होता है मूवमेंट का अपोज करना. ठीक वैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस का वर्क है. जब करंट मूव करती है तो रेजिस्टेंस उसको क्या करता है, अपोज करता है, मना करता है कि आप मूवमेंट मत करिए. किसको मना करता है, करंट को मना करता है, करंट को मूवमेंट होने से रोकना चाहता है. ठीक है ना? तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा. इट इज क्लियर? तो देख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, आर होता है. यहाँ पर देखिए ये फार्मूला, ये आपने यहाँ पर फार्मूला लिया ही हुआ है. वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर आई, यहाँ से हमने ले रखा है. इसको मॉडिफाई कर लेंगे आर के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, आई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा. इट इज क्लियर? इसके बाद में ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं. तो ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम. ठीक है ना? ओम का ये सिंबल होता है, इस सिंबल को कहते हैं ओमेगा. इट इज क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए रेजिस्टेंस के बारे में क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. इस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है. ठीक है ना? कभी कभी आपने देखा होगा कि एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द वन ओम की वैल्यू क्या होती है, तो आपको जस्ट ओनली द एक्सप्लेन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज वन वोल्ट एंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट इज वन एम्पियर, दैट इज इक्विवेलेंट टू द वन ओम. इट इज क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं. ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर की.
ठीक है ना। तो देखिए जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मीन्स फॉर इट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इट इज क्लियर। जैसे जैसे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है इंक्रीज करेगा वैसे वैसे लेंथ भी इंक्रीज करती है। इसका जस्ट हम अपोजिट भी कह सकते हैं, अपोजिट क्या मतलब दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, किसी भी कंडक्टर की लेंथ को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। इट इज क्लियर। मीन्स फॉर इट लेंथ को आपने टू टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, टू टाइम्स होगा। लेंथ को अगर आपने फोर टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा। इट इज क्लियर। नाउ कम्स एट द पॉइंट नंबर टू, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का मीन्स है वो किसी भी वायर की थिकनेस से है, किसी भी वायर की थिकनेस से है, ठीक है ना। ओके तो देखिए क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए, दिस वन, ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या, जितना वायर आपका थिक होगा, जितना वायर आपका थिक होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, जितना वायर थिन होगा, थिन मीन्स पतला होगा, उतना ही रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नाउ कम्स द टॉपिक नंबर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में क्या है, रेजिस्टेंस वैसे भी जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसी पर पर्टिकुलर वर्कआउट करेगा, ठीक है ना। कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड, जिससे भी बना होगा वो उसी का रेजिस्टेंस को शो करेगा। एग्जाम्पल, अगर जो है वायर एल्युमिनियम का बना हुआ है तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। अगर कॉपर का बना है तो कॉपर का होगा। इट इज क्लियर। नाउ कम्स एट द टॉपिक नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओम्स लॉ में मैंने पहले भी बताया हुआ था कि ओम्स लॉ में इसीलिए बोला जाता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर वहां पर कॉन्स्टेंट रखते हैं तभी ओम्स लॉ में हम जो है वैल्यूज को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इट इज क्लियर। नाउ कम्स एट द टॉपिक नंबर नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्टिविटी, ठीक है। रेस्टिविटी देखिए, रेस्टिविटी दिस इज द वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय विच वी आर हेयर गेट द फॉलोइंग डिसीजंस फॉर व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। प्रीवियस मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मीन्स फॉर इट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ये भी मैंने प्रीवियस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए, दिस वन हो जाएगा। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर व्हाट, आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली पोर्शन मैंने पहले ही से अभी आपको बता के रखा हुआ है, डायरेक्टली पोर्शन का जब भी साइन आप रिमूव करेंगे तो आपको कॉन्स्टेंट एक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप डायरेक्टली पोर्शन का साइन रिमूव करते हैं, इक्वल का साइन आया और यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। कॉन्स्टेंट का नाम क्या है, रो, आर एच ओ, दैट इज नोन एज रेस्टिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेस्टिविटी कहते हैं। इट इज क्लियर। तो देखिए यहाँ से रेस्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या किया, ए को ट्रांसफर कर दिया, इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन जाता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ रेस्टिविटी। इट इज क्लियर। हाँ, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, वो ये है कि इसकी यूनिट क्या होगी, रेस्टिविटी की। तो रेस्टिविटी की यूनिट को यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लिए, रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है क्या, ओम, इनटू एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, अपॉन का लेंथ की यूनिट भी होती है मीटर, एक से एक ये कट जाएगा तो क्या जाएगा,
ओम मीटर। इट इज क्लियर। तो देखिए रेस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो आप होती है आपकी ओम मीटर। इट इज क्लियर। तो इस तरीके से ये मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट वन थिंग, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि सर नोट्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें और उससे अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, तो आपको इतने अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए कम से कम एक थैंक्स, लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें हमारे प्रांजल बायो फोटोन ट्यूब को। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।